अलीगढ़ जिले के गोंडा ब्लॉक परिसर में निर्विरोध जीत हासिल कर चुके ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र चौधरी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक प्रमुख व इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी का क्षेत्र के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। SDM इगलास द्वारा शपथ दिलाने के उपरांत सभी BDC सदस्यों को शपथ दिलाई गई। मंच पर BDO गोंडा की अनुपस्थिति से लोगों में तरह तरह की चर्चाएं रही। सक्षम न्यूज इंडिया से बातचीत में नवयुक्त ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र चौधरी ने अलीगढ़ रोड से ब्लॉक मुख्यालय तक करीब 800 मीटर के मार्ग को बनवाना अपनी प्राथमिकता में बताया। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जो काम होता है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुख का, अपने ब्लॉक का विकास कराना। जैसे आपके जो विकास खंड होता है कार्यालय ब्लॉक का, ये यहाँ से सारे विकास कार्य होते हैं और पिछले 5-6 साल से देखा जा रहा है कि ब्लॉक का जो रास्ता है उसका आज तक सुधर नहीं पाया, तो ऐसे में आम जनता कैसे आशा करेंगी कि जो है जब खुद अपना ब्लॉक विकास नहीं करा पा रहा है तो जनता का विकास किस तरह से होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा किया आपने। इससे पहले अभी 3 दिन पहले मेरा गोंडा में स्वागत हुआ था, मैंने वहाँ घोषणा की थी कि सबसे पहला प्रस्ताव ब्लॉक की रास्ता का होगा। अलीगढ़ गोंडा रोड से ब्लॉक के लिए रास्ता सबसे पहले मैंने BDO साहब से बोल दिया है, चार्ज तो आज लिया है, मैंने पहले ही बोल दिया है इसकी पेमेंट करा लो, ये रास्ता बनवाएं। समय समय पर यहाँ कुछ स्टाफ में अनबन को लेकर के शिकायतें मिलती रहती है, मीडिया को भी ये सूचना पहुँचती है, तो ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी यहाँ? पीछे क्या हुआ उसे भूल जाओ, आगे मेरे यहाँ मेरे ब्लॉक से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, सौहार्द वातावरण यहाँ रहेगा, मेरा किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई दोस्ती नहीं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।